आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन खूंखार जानवरों के बारे में जो आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करते थे, जिनके नाम से ही जंगल के सारे जानवर कांप उठते थे। और हाँ दोस्तों, आखिर वाले जानवर को देखना नहीं भूलिएगा। नंबर 3, सेबरटूथ। सेबरटूथ टाइगर अपने जमाने का सबसे ताकतवर और खतरनाक शिकारियों में से एक था। यह धरती पर करीब 10,000 साल पहले मौजूद था। यह उस समय का सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारियों में से एक था। इससे बड़े बड़े जानवर भी खौफ खाते थे और इसकी दहशत पूरे जंगल में बनी रहती थी। इसका शरीर आज के बाघ और शेर से ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। सेबरटूथ की जो सबसे छोटी प्रजाति थी, उसका वजन 150 से 300 किलोग्राम तक था, और जो सबसे बड़ी प्रजाति, उसका वजन 220 से 450 किलोग्राम तक था। इसके पास दो बड़े 12 इंच के कैनाइन दांत थे, जो इसे एक मॉन्स्टर बना देता था। सेबरटूथ टाइगर का बाइट फोर्स 1500 PSI से भी ज़्यादा था, जो लायन और टाइगर के बाइट फोर्स से भी ज़्यादा है। इनके दांत किसी भी जानवर के मोटे से मोटे चमड़े को भी आसानी से उधेड़ सकते थे। इनका पंजा आम शेरों के मुकाबले काफ़ी बड़ा हुआ करता था। वैज्ञानिकों को जब इनके अवशेष मिले, वो भी ये जानकर हैरान रह गए कि सेबरटूथ टाइगर शक्तिशाली शॉर्ट फेस भालू और विशाल का मैमथ का भी शिकार किया करते थे, जो किसी राक्षस से कम नहीं थे। छोटे जानवरों की संख्या कम होने से और बड़े जानवरों से लगातार होने वाली लड़ाई के कारण सेबरटूथ टाइगर धरती से विलुप्त हो गया। नंबर 2, सार्कोसॉकस। ये प्रागैतिहासिक काल का विशालकाय और बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ हुआ करता था। उस समय सार्कोसॉकस के डर से बड़े बड़े डायनासोर भी नदियों के किनारे पानी पीने से घबराते थे, क्योंकि डायनासोर कितना भी ताकतवर हो, अगर एक बार इस मॉन्स्टर के जबड़े में आ जाए, उसके बाद ही उसे पानी में खींच ले जाता था और अपना भोजन बना लेता था, क्योंकि पानी में इसके आगे किसी भी जानवर की एक नहीं चलती थी। ये आज के समय के मगरमच्छ से बहुत बड़े हुआ करते थे। इसके सबसे पहले अवशेष 1950 में सहारा रेगिस्तान में खोजे गए थे। ये मगरमच्छ 40 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन लगभग 15 टन हुआ करता था। उस समय ये इतने विशालकाय और खतरनाक हुआ करते थे कि अपने से भी बड़े जानवरों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते थे। सबसे रहस्यमयी बात इनकी ये है कि कोई भी नहीं जानता कि सार्कोसॉकस कब इस धरती से विलुप्त हो गए। कई लोगों ने अमेजान के जंगलों में विशालकाय मगरमच्छ को देखने का दावा किया है। हो सकता है इस बात की संभावना है कि आज भी किसी नदी में सार्कोसॉकस मौजूद हो, तो क्या होगा कि सार्कोसॉकस भी कभी विलुप्त न हुए हो और आज भी जिंदा हो। नंबर 1, टाइटनोबोआ। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम एनाकोंडा का आता है। लेकिन आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर सांपों की एक ऐसी प्रजाति राज करती थी, जिसके सामने आज के एनाकोंडा की सबसे बड़ी प्रजाति भी देखने में एक छिपकली जैसी लगती है। अब आपको इस सांप की लंबाई का अंदाजा हो ही गया होगा। हम बात कर रहे हैं द किंग ऑफ स्नेक्स टाइटनोबोआ के बारे में, जो आज से करीब 10 मिलियन साल पहले धरती से पूरी तरह विलुप्त हो गया था। लेकिन आज भी टाइटनोबोआ का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक बड़ा सा खौफ आ जाता है। और ये सच है, क्योंकि टाइटनोबोआ इतने विशालकाय हुआ करते थे, जिनकी लंबाई 55 से 60 फीट और इनका वजन 1100 से 1300 किलोग्राम तक होता था। इसलिए ये हाथी जैसे विशालकाय जीवों को खाकर अपना पेट भरते थे। उस समय के सबसे खूंखार शिकारियों में आने वाले डायनासोर और विशालकाय क्रोकोडाइल को भी ये आसानी से अपना शिकार बना लेता था। इसका आकार इतना भयानक था कि आज के बड़े बड़े बिल्डिंग्स को ये आसानी से लपेट ले। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटनोबोआ के गायब हो जाने का कारण क्लाइमेट का ठंडा हो जाना था। टेम्परेचर के कम होने से टाइटनोबोआ विलुप्त हो गए। लेकिन साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि अगर जिस हिसाब से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हो सकता है आने वाले समय में विशालकाय सांप फिर से वापस लौट आए। दोस्तों, अगर टाइटनोबोआ वापस आ जाए तो आप कैसे बचेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, आजकल के वीडियो में लोग मम्मी पापा और भगवानों की कसम देकर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करवा रहे हैं। मैं आपको मम्मी पापा का कसम नहीं दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।